फेडरल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड के मातहत चलने वाला इदारा फेडरल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम जो एरमरस कैंप रायचूर में मौजूद है। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए टीचर्स और स्टाफ की जरूरत है, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। जो भी जरूरतमंद है वो इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 6361966567 या 9113832966 पर कांटेक्ट करके अपने रिज्यूम और डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। और वाजे रहे 4 फरवरी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इंटरव्यू किया जाएगा और टीचर्स के लिए रोजाना बस का इंतजाम भी रहेगा और एक बेहतरीन तनख्वाह भी दी जा सकती है, यानी एक हैंडसम सैलरी भी मिल सकती है। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। क्या आप जानते हैं रायचूर के उभरते हुए नौजवान कायद मोहम्मद इब्राहिम डेवलपर रायचूर कांग्रेस लीडर आरडीए चेयरमैन बनने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस जिद्दोजहद में उन्होंने कई मरतबा बेंगलोर का भी दौरा किया, यहाँ तक कि विधानसभा में एक मरतबा उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके बावजूद वो अपनी कोशिश में लगातार मसरूफ़ हैं। हाल ही में उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर फातिहा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद भी अमल में लाया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत करते हुए उनकी दावत कबूल की। उन्होंने कांग्रेस के आला कायदीन और मुकामी कायदीन से गुजारिश की है कि वो एक मरतबा उन्हें आरडीए चेयरमैन बनाए, ताकि वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए रायचूर को एक तरक्की याफ्ता शहर बना सके। साथ ही साथ उन्होंने आवाम से दुआओं के लिए भी अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं ये जो बात कह रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसका मेन मकसद क्या है, मेरे को परसों एक 19 जनवरी को मेरा बर्थडे था, बर्थडे भी था और उस दिन ख्वाजा गरीब नवाज की न्याज भी थी, तो मैं लोगों को खाने की दावत दिया, लोग आए। हालांकि उस वक्त मैं 18 तारीख के दिन बेंगलुरु में था, मेरे जो भी चाहने वाले मोहब्बत करने वाले लोग सभी लोग आए और सभी लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करे, काम करे, जो उसका प्रोग्राम को मेरे प्रोग्राम को कामयाब करे, अल्लाह की मेहनत को ये करे। मेरा दोस्त क्लासमेट मुसविर जो बेहतरीन बहुत चाहिए, उन्होंने अच्छा अच्छा खाना बनाया, सभी लोगों को खाना अच्छे पसंद आया खाना, और चाहने वाले सभी लोग आए। और अशरफ है मेरा दोस्त, और आरिफ है, और फारूक है, और बहुत से लोग, मैं बहुत नाम नहीं बोल सकता, इन शाला नाम लंबे फराते बोलने में बहुत से लोग हेल्प कर ला, सभी लोगों का से मैं दिल से दुआ दे दूँ कि मैं, हालांकि मैं यह नहीं था, रवि साहब को मेरा इन्विटेशन कार्ड देने के वास्ते मिल गया था, तो वो लोग मेहनत करके पूरा काम शुरू करें, लोग मेरे बारे में बोले कि भी अच्छा खिलाए, खाना अच्छा बनाए, अच्छा करें, लोग तारीफ करें। उसके वास्ते में ये बात कहने के वास्ते मैं ऑलरेडी 4 दिन पहले बोला था, वो बात बोले तो भी एक जने वो बात को शाया नहीं करे, क्यों नहीं करे, मेरे को बारे में कुछ बोलना नहीं है। सभी लोगों का शुक्रिया, जो लोग आए, जो लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया, क्योंकि वो किसी वजह से नहीं आएंगे, उनकी मर्जी की बात है। और एक आप लोगों को मालूम ही है, इससे पहले भी रिक्रूट करा मैंने आरडी चेयरमैन के वास्ते कोशिश करा करूँ, और अलहमदिल्ला लगातार कोशिश चल रही मेरी, और मैं उस काबिल हूँ, बल्कि कोशिश करूँ, ऐसा नहीं कि मैं बेकार में छुपके मेरे को देव देव बोल के मैं जिद नहीं कर रहा हूँ। मेरी उम्र कम है, मैं सीनियर बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अलहमदिल्ला 25 साल का एक्सपीरियंस है सियासत में, और रिलेशन में 25 साल का 2003 से मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी हर वो चीज़ के बारे में, रिचुअल के हर वो खामी के बारे में, जगह की खामियों के बारे में, क्या काम कमी है, क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे है, आरडीए चेयरमैन क्या करना काम, उसका मुझे आइडिया है। इसीलिए मैं एक मोहब्बत से पार्टी के लीडरों से बोल रहा हूँ कि भाई मैं मानता हूँ कि मैं 25 साल से कभी बाहर नहीं आया, मैं आगे खुल के नहीं बोला कि भाई सियासत में आता हूँ। अब मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं ये बनना, क्यों बनना बोले तो मेरी रायचूर, मैं ये रायचूर में पढ़ा, रायचूर में पढ़ा हुआ, रायचूर में बड़ा हुआ, रायचूर में पढ़ा, मेरे सभी दोस्त अहबाब चाहने वाले सभी रचन वाले से, मैं कभी कोई दुर्गों में गया नहीं, कारोबार करा नहीं, सब यहीं से करा सर, अल्लाह रचन ने बहुत दिया मेरे को, रचन की पानी में तासीर है, हर वो चीज़ में तासीर है अल्लाह ताला। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं इतनी बोल रहा हूँ लीडरों को, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं काम का सीनियर हूँ, 25 साल से मेरे को एक्सपीरियंस है, 2003 से मैं प्लाटों का कारोबार कर रहा हूँ, जमीनात के अच्छे बुरे हर वो चीज़ की नॉलेज है मेरे को, और आगे चेयरमैन का काम क्या है वो मुझे उसका आइडिया है। एक बार आप लोग मुझे मौका देके देखो, इंशाल्लाह उसके बाद में फिर बोलना, इतिहास बता दूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ।
यहाँ से बेंगलुरु तक बोलना, वाकई कितनी है रेचूर में आडे चेयरमैन उनके काम करा बोल, तुम कितने दिन थे मौका, तुम्हारी मर्जी, अढ़ी साल दो, दो साल तुम्हारी मर्जी, तुम बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग है नहीं। मैं एलिगेशन का आदमी, झुंपड़पट्टी का आदमी, अल्लाह मुझे नवाज है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई फ़ख्र भी नहीं मेरे को, मैं हूँ तकबुर नहीं कि मेरे पास है बोल के, जो भी है अल्लाह का दिया है मेरे पास, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ पार्टी के सभी लीडरों से, मैं चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया सर से लेके हमारे डायनेमिक लीडर डी के शिवकुमार साहब और हमारे प्रियंका खड़गे साहब और खड़गे साहब कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी सर और मैडम सोनिया गांधी मैडम सर, और मैं बोलने का और एक बात क्या बोले तो हमारे जो रिचू के लोन लीडर से शालम भाई है और हमारे बशीर भाई है और हमारे जो भी काउंसलर से जो भी जो मैं चाहने वाले हैं अल्लाह, बहुत से लोग चाहने वाले हैं, अल्लाह का एहसान है, मैं सभी को दोस्ती रखा हूँ, मोहब्बत रखा हूँ, लोग चाहने वाले हैं मेरे, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं चाहूँ मैं पूरा रिचू नहीं चाहता बोले तो भी गलत नहीं होता, कोई एक गलत हो सकता, कोई नहीं जाता हुआ मेरे को, मेरे से तकलीफ हो सकती, बहुत से लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में क्योंकि इस बनता तेरा क्या है, तेरा बाप क्या ये था क्या वो था क्या, ऐसा बोल बोलने वाले कुछ भी बोलने में जिससे अफसोस नहीं। मेरी पार्टी से एक ये बात है, मैं पार्टी की ये मोहब्बत से बहुत मेरा एक चीज़ से एक हक है, मैं 25 साल 20 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, पार्टी के वास्ते भी काम करूँ और ज़मीन आपके बारे में नॉलेज है, उसलिए मुझे आरडीए पोस्ट होना, मैं एमएलए पोस्ट नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप 19 तारीख को जो बर्थडे रखे थे और ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज भी करे, बहुत अच्छी बात है, मगर आप जो है ना इतना बड़ा फंक्शन करने के बावजूद कांग्रेस के बड़े लीडर्स नहीं आए, इसकी क्या वजह है? वही तो बोल रहा ना, मैं छोटा आदमी हूँ, वो क्या समझे कि भाई उसके पास गए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता, बोलेगी क्या सोचिए, वो बड़े लीडर से बोला कुछ भी नहीं, अगर आपके मेहमान आते तो उनकी इज्जत बढ़ती थी, मगर उसके बावजूद भी नहीं आए। मिनिमम काउंसलरों को दावत दिया और सभी लोगों को दावत दिया, मैं जितने लोग रेजू के लीडर्स सभी और बेंगलुरु लीडर्स सभी लोगों को दावत दिया, बेंगलुरु में हमारे रवि भोसला साहब है उनको भी जाए, बेंगलुरु जाए तो मैं बात करा, उन्होंने अंदर थे काम में थे, एक तो मेरे कार डाल में आता हूँ, मुझे बोले कार डाला नहीं है उनके क्या रीज़न से, मैं उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं मेरे को नहीं है, लेकिन सबको बुलाया मैं ये भी नहीं कि अभी कांग्रेस वाले बुलाओ, बीजेपी वाले काउंसलर्स को भी बुलाया, डॉक्टर शिवराज पटेल साहब को भी बुलाया, बहुत से लोग को बुलाया, मेरे पास सभी लोग आए, मेरे चाहने वाले भी, मेरी ये है कि बस लीडर लोग नहीं आए जिनके लिए मैं काम करा, वो लोग हमें नहीं आए, वो रीज़न क्या है वो नहीं जाने, मैं तो नहीं जाना उसके बारे में, वो बारे में उसके बारे में कमेंट भी नहीं करना चाहता, नहीं कोई कांग्रेस मेरे को तय करना नहीं, बस मेरे को इसी चीज़ का ये है, बहुत दिन हो गए। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आरडीए के लिए और भी लोग कोशिश कर रहे हैं मगर वो मंजर आम पर नहीं आ रहे, मगर आप मंजर आम पर क्यों आ रहे? क्योंकि वो लोग जाने पहचाने लोग हैं, अल्लाह को बहुत दयास हुए, नामचीन लोग हैं, पार्टी से मैं बड़े पहले पोस्ट लिए, मैं कोई अब तक कोई पोस्ट नहीं लिया पार्टी में, पार्टी में मुझे बहुत बार पोस्ट ले कर ले बोले ना, नहीं साहब मेरा कारोबार है, इस बार मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आरडीए चेयरमैन बनना, रेजूर के लिए कुछ अच्छा करना, और आने वाले वक्त में एमपी इलेक्शन भी है और मैं एमपी इलेक्शन में भी काम करना, पार्टी के लिए करना काम, बोल के बहुत ख्वाहिश है पार्टी के सभी लीडरों से, भोसरा साहब से, रवि साहब से, सभी जो बड़े लीडर है हमारे, सभी लोगों से मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ये काम आप लोग आसान करो, मेरे को जल्द से जल्द आरडीए चेयरमैन के वास्ते मेरे लिए करो, बोल के मुझे वादा भी करे भोसरे लोग, मेरे को बोलने वाले रवि साहब भी बोले हाँ करेंगे, जा करेंगे बोले, सभी लोगों ने दिया लेकिन कुछ बोल रहे नहीं। आपको रायचूर डिस्ट्रिक्ट से जो है ना, जैसे कि शालम साहब है डिप्यूटी एमएलए, रवि भोसराज है, हिलनेस भोसरा साहब है, इन लोगों से तो आपको ग्रीन सिग्नल मिला क्या? बिल्कुल, शालम भाई से ग्रीन सिग्नल है मेरे, कुछ बशीर भाई से बातचीत हुई, क्या रवि साहब से 2-3 बार बातचीत हुई, एक बार थोड़ा बहुत बोले, एक बार सेकेंड टाइम ठीक है तू आ रहा जा रहा करेंगे जा, तो मैं जा मैं आते थोड़ा सा इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू बारे में बोला तो पार्टी काम करूँ, बोला मेरे बारे में सोचते तो एक दिन बोलते कैसा होता काम होता, बड़े लीडर भी हम बात करते सभी लोगों से बात करके तरह काम करते हुए, मैं तीज बात है अब विधानसभा गया था साहब से मिलने से, उस वक्त में मेरा पैर चिरा पैर मेरा लगे है प्रॉब्लम, बचपन से पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई मेरी, अब मैं मेरे मेरे पैर के अंगूठी के अंदर राड़ डाली थी, मैं घर भेजूँ बाहर नहीं पीनू, लोग मेरे क्या लोग मजाक उड़ा रहे, अरे क्या रहे खाली बोरा बनना नहीं तू खाली क्या मजाक उड़ा, इसी बात आप एडवांस डालने से लोगों में जो है ना मजाक उड़ा है, एडवांस जो है ना आरडीए बोल के डाले, एडवांस डालने की नहीं है, मैं कोई चीज़ एडवांस डाल रही, मेरा 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 तुम मेरे कार्ड दे सकते जो मेरा बर्थडे कार्ड है कार्ड दे सकते, और कार्ड में कहीं भी आरडीए चेयरमैन है तो मैं गलत जो बर्थडे उससे पहले एक व्हाट्सएप में आया था उसमें डाले थे वो भी मैंने डाला,
मैं वो भी नहीं आया, वो भी मेरा आपके चाहने वाले थे, चाहने वाले। और मैं बेंगलुरु में था जो पहला नाला लगा थी उसमें भी डाले से मैंने नहीं आया, मेरा उसमें कोई मेरा नहीं, चाहने वाले डाले उनकी, मैं नहीं रो क्या हूँ, मेरी गलती है बोल सकते हैं बात, उसके बारे में भी कुछ बात बोले वहाँ केस करते हो करके बोले तो बाद में नहीं करे वो अलग माना उनको ये रखे मुश्किल नहीं, लेकिन मेरा कोई इसमें ये नहीं, मेरे कार्ड को देखो तुम्हें हजारों लोगों के पास कार्ड है। इसका मतलब यह है कि आप जो कोशिश कर रहे थे उसको देख कर जो है तुम्हारे चाहने वाले डाले लोगों को, सुन लोगों को अंदर से कुछ लोगों को मेरा हो गया उनके कुछ लोगों को नहीं होता बोल के कोई और एक होता उनका इन होता सीनियर आदमी सीनियर बूढ़ा होना जरूरी नहीं है सियासत में, सियासत में बहुत बूढ़ा होना जरूरी नहीं है, तजुर्बा होना जरूरी है, मैं तजुर्बा है अल्लाह के साथ, मैं वैसा नहीं कि मैं 60-70 साल का नहीं हूँ अल्लाह मेरी 50 के करीब चेंज एज मेरी, मेरी एक्सपीरियंस है, एक बार मुझे मौका दे के देखो इन शाला फिर आप उस बारे में बोल सकते बात के भाई तू सही बोला नहीं बोला उन्हें मदद, मैं सभी लोगों से बात करूँ ना, मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि मेरा आज से ये काम आसान करो, मैं बनना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश कमाने की नहीं है, मेरे गरीबों के लिए है, मैं गरीब आदमी डेवलपर हूँ, मैं ये बात कुछ से पहले इंटरव्यू में बोला मैं डेवलपर हूँ, पहले प्लाटा बेचा खेता बेचा अब वो डेवलपमेंट करूँ, अब वो डेवलपमेंट काम भी 9 महीने से पेपर वर्क हो रहा नहीं, आड़ी से बननी है रजूर में उसकी वजह से है ना लोग परेशान है जो डेवलपर है, परसों एक मेरा दोस्त बोल रहा था डेवलपर क्या करना वहाँ 9-10 महीने होगा लोगों ने पैसे लिए सोए लोग तकलीफ दे रहे हमारे को क्या करना आड़ी चिमने में नहीं बैठ रहा ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे, उनकी भी तकलीफ है जो भी हो डेवलपर है जो भी मेरे भाई हैं सर प्लाट बेचने वाले मेरे भाई हैं डेवलपर भी मेरे भाई हैं, क्यों बोले तो हम लोग सब साथ मिलो करे से प्लाट थोड़ा थोड़ा करते करते मेरे यहाँ तक लाया से, तो मैं बोला मतलब क्या काम हुआ तो सब भी काम आगे बढ़ते, आप बहुत से लोग करोड़ों रुपये दारे से, अब मैं खुद भी मेरी अब 2-2.5 करोड़ रुपये मैं दारा से हूँ, काम रुकी से फाइनल अप्रूवल करने के वास्ते टेन चाहे प्रोजनल अप्रूवल करना है, अब वो मीटिंग हो रही नहीं इलेक्शन के बाद तो कोई मीटिंग नहीं हुई, एक मीटिंग परसों हुई उनको सुना मैं डी साहब मीटिंग दी उनको सुना वो क्या हुआ उसके बारे में आइडिया भी नहीं मेरे को वो कितने फेल पास हो गया नहीं, लेकिन आर डी चेयरमैन रहने के बाद में उसके मामले अलग थे क्योंकि आर डी चेयरमैन इस मामले का खास तौर पर देखता भी कौन सी चीज़ क्या है, वो बिल्डिंग परमिशन है और कुछ भी चीज़ें हैं उसको अच्छा आइडिया रहता कि उन्हें क्या करता, और मुझे इसका अच्छा आइडिया है, मैं इससे पहले बोल अभी भी वो बात मजबूती से बोलता हूँ वो कहाँ बोले तो बोलते हैं मेरे बहुत अच्छा आइडिया है, मैं समझता हूँ इस वक्त रायचूर में मेरे होता अच्छा आइडिया रखने वाला आर डी चेयरमैन का आप कोई नहीं है, क्यों बोले तो मैं इसी में ज़िंदगी करा मेरे बच्चों को पाला मैं पाला मैं ज़िंदगी इसमें करा सूँ, एक बार तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ बोलते मैं रईसूर को वो दिखा दूँ इंशाल्लाह इतिहास लिखना इतिहास बोलना इब्राहिम इतिहास रचा बोलना मैं नहीं बोला लेटर बोलना वाकई इतिहास रचा हो मेरे को कमाना नहीं है मुझे रईसूर की काम करना है, और मैं खुद भी अब 8-9 महीने से मेरी भी डेवलपमेंट रुके से मैं भी परेशान हूँ कि काम हो गए तो मेरे भी प्लाट बिकते मेरे भी पैसे आते ऐसा मेरी भी सोच है, तो यही बात को मैं सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ रईसूर वालों से भी और लीडरों से खासतौर पर बड़े लीडर जो मेरे को ये काम करने वाले उनसे अदमन गुजारिश है कि आप मेरा ये काम करें तो मैं आपके वास्ते आगे मैं ये चीज़ ये करता हूँ कि आप जो मेरे बनाते आपका नाम रोशन होता कर्नाटक में वाकई आदमी को बनाया तू वाकई काम करा हूँ बोलते मैं ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ हर लीडर से वही मेरी रिक्वेस्ट है जो लोकल लीडर है उनके वास्ते जो मेरे ऊपर जो मेरे हेल्प करे प्रयाण खड़गे साहब है रवि साहब है रवि भोसला साहब है जो भी लोग हैं वो लोग मेरे को बहुत हेल्प करे मेरे को मैं उनका दिल देता है दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बस इतना से मेरे को एक आर डी चेयरमैन का जो मैं पूछ रहा हूँ मेरे को अगर वो करे करे तो मेरे से बेहतर रहता अब मैं फिलहाल तो घर में हूँ रेस्ट में हूँ मेरा पैर डैमेज है एक मौका मेरे को दो मैं इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं देता और आपका नाम रोशन करता हूँ पूरे कर्नाटक में और मेरे जो भी हेल्प करेंगे उनका हर आदमी का नाम लेके मैं रोशन करता हूँ कि भैया मेरे बनाए और मैं काम करता हूँ हर गरीब का काम करता हूँ हर गरीब का काम करता हूँ हर सवार का काम करता हूँ जो काम सही है उसका इतना बेहतरीन काम करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं जिंदगी में नहीं रहा तो भी लोग याद करना मेरे क्योंकि भाई वाकई इतना था ये काम करो गया और यही बात करता हूँ यही मेरी रिक्वेस्ट है तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरी दावत में हेल्प करे जो लोग आए उनका भी शुक्रिया जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह हाफिज़।